दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सा प्रश्न लाया हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है 525। अब इसको भाग देना है 5 से। अब आप कहोगे सर ये तो बच्चों वाला सवाल है। बिल्कुल ये बच्चों वाला सवाल है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को मुझे किसी ने कमेंट किया है और इस प्रकार के प्रश्न मैंने बहुत बार बनाए हैं। तो चलिए, यदि आपको इसका सही उत्तर पता है तो आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और इसका सही उत्तर तो मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं, लेकिन किसी ने मुझे कमेंट किया है कि सर 525 को यदि हम 5 से डिवाइड करें तो इसका उत्तर आएगा 141। जी हाँ, किसी ने कहा है कि 141 आएगा। और कई लोग बोलते हैं कि इसका उत्तर कितना आएगा, 15 आएगा। तो आपको क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। 3 ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं, ए, बी और सी। किसी ने मुझे बताया है और इसको तो पूरा हल करके भेजा है कि इसका उत्तर 141 आएगा। किसी ने मुझे कमेंट करा है और अक्सर मुझे कमेंट आता रहता है कि इसका उत्तर आएगा 15, और कोई बोलता है 105। तो इन तीनों ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? और ये वाला किसी ने मुझे कमेंट करा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको इसका कमेंट दिखाई देगा कि सर इसको हम हल करेंगे तो इस प्रकार हल करेंगे। देखिएगा वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में पूरा तरीका बताने वाला हूं कि कई लोग कैसे कैसे गलती करते हैं। क्या गलती हुआ है देखिए, 525 को डिवाइड करना है 5 से। हम सही और गलत तरीका दोनों सीखेंगे। ये मुझे कमेंट किया गया है, क्या कमेंट किया गया, इसको हम भाग देंगे तो पहले तो 5 एकम 5 भाग देंगे, ठीक है, यहां पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर तो कुछ भी नहीं बचा, यहां पर आ गया 25। अब इसको भाग देंगे तो उसने कौन सा तरीका अपना दिया है, ऐसा गलती क्यों कर रहा है लोग, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों गलती हो रहा है। तो उसने क्या किया, 5 चौक 20 कर दिया, 5 चौक 20 कर दिया, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। घटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5। अब ये 5 आया तो यहां पर उसने 5 एकम 5 किया है देखिए, और यहां पर कुछ नहीं बचा, तो आंसर कितना ला दिया, 141। जबकि आपको पता है कि ये क्या है, पूरा गलत, यहां पर पूरा गलत मेथड उपयोग किया गया है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको एक एक अंक को डिवाइड करके हल करना होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि इसको 2 अंक उतार लिए और इसको डायरेक्ट 5 5 25 कर दिए। मतलब कई लोग क्या करते हैं, एक मेथड तो ये गलत हो गया, दूसरा एक और गलत मेथड बता रहा हूं जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं निश्चित रूप से। लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। गलती कहां कहां पे करते हैं बच्चे, उनके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बच्चे एक और गलती करते हैं, यहां पर क्या करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, कट हो गया, यहां पर तो कुछ भी नहीं बचा। फिर यहां पर बच्चे क्या करते हैं, 2 अंक उतार लेते हैं, ठीक है। अब 2 अंक उतार लिए तो यहां पर देखिए 5 5 25 करेंगे, तो यहां पर भी घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 5 5 25 15, तो यहां पर उत्तर कितना आ गया, 15 आ गया। तो दोस्तों आपको यह बता दूं कि ये वाला उत्तर भी गलत है, ये भी पूरा गलत है। अब आपको ये लग रहा है ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही कौन सा है फिर? तो याद रखिए, आपको मैं पूरा प्रूफ करके बताने वाला हूं। यहां पर देखिए हम 525 को डिवाइड करने वाले हैं 5 से, और ये वाला विधि सही है, अभी जो मैं बताने वाला हूं ना वो मेथड सही है। क्यों सही है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, भाग देने की जो संक्रिया होती है वो एक एक अंकों को भाग देने का नियम है। जैसे सबसे पहले हम 5 को भाग देंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 एकम 5 हो गया। यहां पर चूंकि भाग का संक्रिया मतलब बार बार घटाना, तो यहां पर तो कुछ भी नहीं बचा। एक एक अंकों को भाग देने का नियम है, तो हम केवल 2 को यहां पर नीचे लाएंगे। अब 2 को भाग देंगे 5 से, भाग जाए या ना जाए हम अपना नियम पूरा लगाएंगे। तो यहां पर देखिए चूंकि 2 छोटा है, भाग तो नहीं जाएगा 5 से, इसलिए हम क्या करेंगे, भाग तो देंगे लेकिन भाग नहीं जा रहा है, तो हम कितना बार भाग देंगे, 0 बार, अर्थात 5 का गुना करेंगे 0 से, 5 0 9 0 हो जाएगा, और उस 0 को यहां पर लिखेंगे। अब घटाएंगे, अब यहां पर 2 तो ये घटाने के बाद आया है, लेकिन अब यहां से हम एक अंक उतारने वाले हैं 5। अब क्या करेंगे, 5 से इस 25 को भाग देंगे, याद रखिए 5 से 25 को भाग देना है, ठीक है। अब यहां पर ये 2 बार ऐसा वाला मेथड भी नहीं अपनाना है, यहां पर एक बार गलत कर दिया गया था वो भी नहीं अपनाना है। यहां पर क्या करेंगे, एक एक अंकों को हम भाग देते जा रहे हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 5 25 हो जाएगा और ये दोनों घटाएंगे तो घट जाएगा, तो यहां पर आपका कितना आया, 105। और दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, और आपको लग रहा है कि ये डाउट है, ये उत्तर आपको सही नहीं लग रहा है, तो भैया आपके पास तो मोबाइल है, कैलकुलेटर खोलिए, 525 को भाग दीजिए 5 से,
आपका उत्तर 105 ही आएगा और ये 100% सही है। करके जरूर देख लीजिएगा क्योंकि तभी आपको विश्वास होगा। और आपको लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी मिला है, एक सही जानकारी मिला है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।